बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक पुलों और बांधों के गिरने की खबरें सामने आने लगी हैं। जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए पानी में बहते चले जा रहे हैं। न प्रशासन जिम्मेदारी ले रहा है और न ही सरकार। इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है केवल जनता। बीते दिन खबर आई थी कि सारण जिले में एक ही दिन में दो पुल ढह गए। इसके साथ ही पिछले 14 दिनों में 12 पुल धराशायी हो गए हैं। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों की घटनाओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की उच्च स्तरीय संरचनात्मक जांच कराई जाए और राज्य में पुल ढहने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुराने या कमजोर पुल या तो गिरा दिए जाएं या फिर उनका पुनर्निर्माण हो। याचिका में कहा गया है कि इन घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल भी हुए। भविष्य में सरकार की घोर लापरवाही, ठेकेदारों और एजेंसियों के भ्रष्ट गठजोड़ के कारण और भी घटनाएं हो सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये बहुत चिंता की बात है कि बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य में लगातार पुल गिर रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। इससे लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। याचिका में बिहार के अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगढ़ जिलों में विभिन्न पुलों के ढहने की घटनाओं को उजागर किया गया है। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। डीबी लाइव की रिपोर्ट।